माशाल्लाह काफ़ी कसीर तादाद सदात मोमिनीन मातमी हज़रात तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदान सैयदा के जितनी बुलंद आवाज़ पढ़ सको उतनी बुलंद सलावात पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह पढ़े लिखे जीरक और फमीजा चेहरे तशरीफ फरमा। एक लम्हा जनाब दसाए किते बगैर अपनी नौकरी का आगाज हदीसे रसूले शकलैन सरकार का फरमान साडा पहला भी मुहम्मद आखिरी भी मुहम्मद दरमियाना भी मोहम्मद बल्कि हम सब के सब। तो एक मुश्किल रुबाई तो नौकरी का आगाज़ मुश्किल कुशा दी मेहरबानी न और इस एतमाद नल के मेरे सामने जितने शरफा तशरीफ फरमाओ सारे मुश्किल कुशा दे मन लियो। मैं इस करें कि कुल्लो ना नूरे मोहम्मद हैं सो उनकी मर्जी। मैं करें कि अगर सारे नूर सारे अनवार मोहम्मद हैं तो फिर उनकी मर्जी। कुल्लो ना नूरे मोहम्मद हैं सो उनकी मर्जी। कुल्लो ना नूरे मोहम्मद हैं सो उनकी मर्जी। किस को अव्वल तो किसे नूरे मुअख्खर करना। अगर रुबाई उस मयार पे सुनी गई तो मैं इस्लामाबाद तक आपको दुआ करूँगा। मेरे मालिक मेरी मदद करना। एक लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा अक्द मेरे तो ज़्यादा पढ़े लिखे और दाना चेहरे तशरीफ़ फरमाओ। लफ्ज़ अक्द का मतलब है निकाह। मैं थोड़ी तवज्जो का मुंतज़िर चूँकि इस लफ्ज़ तो मैं तेज़ी नाल गुजरने इस वास्ते मैं निशानदेही कर देती। कुल्लो ना नूरे मोहम्मद है मेरे मालिक मेरी मदद कर सो उनकी मर्जी। किसको अव्वल तो किसे नूरे मुअख्खर करना। मैं आख रहा कि अकदे जहरा ओ अली राजे खुदा है वरना अरे नूर में कैसा मुअन्निस मुज़क्कर करना। जो नई बात सुनते हैं आपके प्यार का शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बस इतनी दाद और दुआ मैं दरकार आई है पाक सैयदा दे एक खूबसूरत कसीदे वास्ते। ठीक है पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ेंगे वो इसके बाद है। बस दो कसीदे इतना ही टाइम है वो भी दो दो नहीं में शेर क्योंकि मालिका ने काफ़ी मदा खान तशरीफ फरमाए और मेरी इंतहाई खुशनसीबी के किबला
मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ, मालकान दे कमाल खतीब और कमाल शायर। ठीक है, तुहाडे कोल दाद भी होगी तो दुआ भी होगी। मैं कोशिश करदा कि कसीदा ऐसे रंग पढ़िया जाए कि किबला को ही दुआ हासिल करा। मेरे बहुत प्यारे भाई मुदस्सर भाई असगर मालकान दे खूबसूरत मदा खान, वो तशरीफ़ फरमाएँ। तो एक लम्हा इंतजार ने पाक सैयदा की इज्जत अजमत थे एक सोहनी जी सलवार पढ़ो, मैं कसीदा शुरू करूँ। सदके जाए प्यार का शुक्रिया, थोड़े प्यार वास्ते मोहब्बत वास्ते इतनी ठंड च मैं मिसरा फिर दोहरा अस करे जो बजे है नूर मोहम्मद है नूर ज़हरा जो वजह नूरे मोहम्मद है नूर ज़हरा का के सरकारे कदमी मर्तबत के नूर की वजह अगर सैयदा का नूर है तो ठीक है। हदीसे कुदसी की रोशनी में मैंने ये बात की कि खालिक फरमा रहे कि है मोहम्मद तुझे ना बनाता तो कायनात की कोई चीज़ ना बनाता। ठीक है, फिर खालिक फरमा रहे कि है मोहम्मद अगर सैयदा को ना बनाता तो आपको भी ना बनाता। लाहौर है, लाहौर है, दाद थोड़ी है लेकिन चले गुजारा करते हैं, गुजारा करते हैं। कितना अच्छा जुमला मैंने कहा, मैं अर्ज की थी कि अगर सरकारे कितनी मर्तबत का शहजाद नूर वो वजह है सरकारे कितनी मर्तबत के नूर की, ठीक है, तो मेरे मालिक मेरी मदद करें। अर्ज करें जो वजह है नूर मोहम्मद है नूर ज़हरा है नूर मोहम्मद है नूर ज़हरा का तो मुस्तफा से है पहले ज़हूर ज़हरा का। ऐसे ऐसे अदब को सुनना चाहिए, ऐसे ही अदब की कदर करनी चाहिए। भाई मालिक आपके अकीदे सुनाओ ऐसे ऐसे ही सुनना चाहिए, लाहौरियों का ऐसे ही सुनना चाहिए। हुसैन बादशाह सलामत रखे, जो वजह नूर मोहम्मद है नूर ज़हरा का तो मुस्तफा से है पहले। एक मैं अगर लफ्ज़ की वजाहत नहीं करूँगा तो ना मुझे पढ़ने का लुत्फ़ आएगा ना आपको सुनने का लुत्फ़ आएगा। ठीक है, मैं निशानदेही कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें यहाँ काफ़िया, क्योंकि काफ़िया इस्तेमाल हो रहा है नूर ज़ुहूर। ठीक है, अभी काफ़िया आ रहा है उमूर। ठीक है, लफ्ज़ अमर की जगह उमूर, अमर का मतलब हुक्म भी है और अमर का मतलब काम भी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किसी शादीशुदा औरत से सवाल करें कि आप क्या करती हैं तो वो कहेगी कि मैं उमूर खानदारी करती हूँ। ठीक है, कि मैं घर के काम करती हूँ। ठीक है, घर के काम काज करती हूँ। लफ्ज़ उमूर इतनी गलत समझा के भी अगर दाद और दुआ ना हो सकी तो मैं अक्सर मेरी किस्मत नूर ज़हरा का ज़हूर ज़हरा अर्ज करें ये साथ काम कराता है घर के यूं जैसे ये
साथ काम कराता है घर के यूं जैसे है जिब्राईल वजीरे उमूर सहरा का। ऐसे ही सुनना चाहिए था, खुदा की कसम ऐसे ही सुनना चाहिए। आपने कीमत नहीं समझी। जियो जियो सदके जियो जियो मिल गए भाई। इसकी थोड़ी बड़े हैं। ये साफ काम कराता है घर के यूं जैसे है जिब्राईल वजीरे। सैयद बादशाह, चूंकि मैं आपकी पाक जदा का जिक्र करूँ, जरा नौकर का शेर देखिएगा और मजमे की पोजीशन देखिएगा। आज से कुछ अर्सा पहले एक मौलवी ने कहा कि नऊज़ बिल्ला पाक सैयदा खता पर थी। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ उस मौलवी ने गल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस जिस बंदे का ये अकीदे कि नऊज़ बिल्ला पाक सैयदा खता पर थी, हर उस बंदे का मैं गल कर रहा हूं, मैं कह रहा गल सुन रहे हैं। कसम खुदा की ये सारा है तेरी मां का कसूर। चलो चलो, मैं इस शेर पे किसी को खत्म कर रहा था, लेकिन इसी तरह का इसी मिजाज का एक शेर मैं आपको सुनाऊं। ठीक है, वो शेर नहीं पढ़ता, अगला सुने। अर्ज कर रहे हैं, ये जिसके आगे भी लानत है और पीछे भी, सलाम जी। कसीदे दा कीमती तरीन सारा कसीदा एक पासे, एक कला शेर एक पासे, एक लम्हा मुझे देंगे, एक लम्हा अपने टाइम के अंदर मैं पढ़ूंगा।
एक बंदा अजादार महात्मी वो आया सरकारे कलंदर बादशाह को जान है किसी देखी ये शेर आके उनका सरकार चुके आप वलिये खुदा हैं आपकी जुबानी मैं पाक सैयदा के फजाइल सुनना चाहता हूँ। सरकारे कलंदर बादशाह ने फरमाया कि मैं पाक सैयदा के फजाइल बयान करने से कासिर मैं पाक सैयदा के फजाइल बयान नहीं कर सकता। साथ ही कलंदर बादशाह ने फरमाया कि एक तो मैं फजाइल बयान नहीं कर सकता, दूसरा मैं एक सोच रहा हूँ। उस आके सरकार आप वलिए खुदा हो के सोच में सरकार बताए ना वो सोच सोच क्या है। कलंदर बादशाह फरमा रहे हैं है वो नबी अली या हसन या हुसैन है वो खुदा या नबी यो अली हसन या हुसैन है वो खुदा या नबी यो अली हसन या हुसैन जो कह रहे हैं हमें है शऊर ज़हरा है वो खुदा या नबीयो अली हसन या हुसैन जो कह रहे हैं हमें है कमाल मैं क्या कहना भी पढ़ो। मैं आज इस्लामाबाद को टुरिया ते मालकां दे अजादारां दी चढ़िया दी ज़ियारत वास्ते हाजिर होया। रस्ते च काफ़ी मुश्किलात भी आईयां लेकिन मालकां दी नौकरी रस्ते दे विच काफ़ी मेरे मातमी भाइयों दी कॉल्स भी आईयां ते मैसेजेस ठीक है। उन्हें मैंने हुक्म फरमाया कि एक कसीदा जिहड़ा सराइकी जुबान का अज तो चंद दिन पहले वो मैं शुरू किए काफ़ी हुक्म है उस कसीदे का तो सादात का भी हुक्म है कि वह कसीदा जरूर पढ़िया जाए। कसीदे का वैसे तो ज़्यादा कसीदे मैं उर्दू ही लिखदा तो उर्दू ही पढ़ता ठीक है लेकिन एक कसीदा मेरा अपना दिल किया कि मैं एक सराइकी जुबान का कसीदा वो जरूर लिखा मालकान की मेहरबानी न। इस कसीदे का रदीफ वो मैं दस के मैं कसीदा शुरू कर रहा। इस कसीदे का रदीफ है कमाल कीते बाबा जी किते के कोई नहीं कमाल किते तो मिसाल के तौर पर तुसी इत्थे मालकां दा जिक्र सुन रहे हो तुसी जाओ कोई अजादार महात्मी जिहड़ा मजलिस च हाजिर नहीं वो तुहाडे कोल पुछे कि मालकां दे मज़ा खान आया उन्हें कैसा पढ़िया मालकां दा जिक्र तुसी आखो जी कमाल किते ठीक है तुहाडी चुप तो लगदा कोई नहीं किता ठीक है अपनी तरफ उतासा कीते ठीक है जी आपके मेहरबानी लफ्ज है कमाल कीते ठीक है सारे कसीदे की खूबसूरती इस एक लफ्ज में है कमाल कीते ठीक है जी। मैं कसीदा तुम सलवार की भी तकलीफ नहीं देता कसीदा शुरू करता। हाँ जी अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते भाई सदके जावा ऐसी सुनना चाहिए थोड़े तो प्यार वास्ते मैं मिसरा फिर दोहरा रहे दर्ज करें अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते
अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते ठीक है भाई जिस बंदे भी ये सवाल कीते ना कि अली बादशाह क्या है उसने सवाल करके कमाल किया ठीक है उसने तो सवाल करके कमाल किया उस सवाल कीते अगों मैं भी तो कुछ कीते ठीक है वो मैं थोड़े नाल शेयर कर रहा कि उस सवाल कीते अली बादशाह के अगों मैं क्या कीते मैं कर रहा अली है क्या जेड़े आदमी सवाल कीते कमाल कीते अली है क्या जेड़े आदमी भी सवाल कीते कमाल कीते प्यार का शुक्रिया थोड़े मकसद का शुक्रिया सवाल कीते कमाल कीते मशवरा रब दे नाल कीते कमाल कीते ढेर सारे शेर हैं इस कसीदे दे लेकिन वो सारे छोड़ के मैं एक या दो शेर फकत इस कसीदे दी तिलावत करना है लेकिन ये शेर पढ़ने तो पहले मजमे च जितने सगीर तशरीफ फरमाओ मैं अदना जहा सना खाने रसूल होंगी हैसीयत नाल मिन्नत कर जितने सादात हो अगर चादर च बैठे हो औखे सौखे करके हाथ च खा जो सादात है जो सैयद है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चावन की तकलीफ इस वास्ते दिती है कि जिहड़ा शेर मैं सैयद बादशाह तिलावत करन लगा अगर ये शेर खत्म होते ही सादात फौरन हाथ उठा के तहीद करें तो दाते ठीक है ताकि मैं पता लगे कि मैं शेर कैसा लिखा भरपूर तो सवाल कीते कमाल कीते मशवरा रब दे नाल कीते कमाल कीते गौर करो मैं करें हराम सदका है सैयद आते मगर सादात आख दे हराम सदका है सैयद आते मगर सादात आख दे होए होए खुदा ने साथे अली दा सदका हलाल कीते कमाल बस आखिरी शेर जनाब दिया से हम तमाम मेरे बाद मसाहिब खान तशरीफ फरमाए मसाहिब वो पढ़ने से चुके मैं अपने टाइम के अंदर रह के पढ़ने आखिरी शेर ढेर सारे शेर हैं लेकिन ये शेर मेरे सोफियों को बहुत पसंद है इसलिए ठीक है मैंने जब भी ये कसीदा पढ़ा ये शेर नहीं पढ़ा या कोई एक आध जगह पे पढ़ा होगा ये कहते हैं कि ये शेर सबसे कीमती है ठीक है आखिरी शेर जैसे हम तमाम पेश करें हुक्म जड़ा अंबिया दे कीते सबब हैरानी दाज ताई है हुक्म जड़ा अंबिया दे कीते सबब हैरानी दाज ताई है